एलविश यादव ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था वहाँ पे उसको फैजू के बारे में पूछा गया था उसने बोला कि फैज़ू से मैं मिला फैज़ू मुझे अच्छा लगा कुछ पर्सनल वैसा टकरार नहीं है

बस हाँ वो आंग पे आ रहा था मेरे कंधे पे हाथ रख रहा था उसको कंटेंट बनाने का टास्क दिया गया था वो फ्री हो रहा था बनाते बनाते मुंह से एक तो आवाज़ भी छूब रही थी उसकी आ, तो कंधे पे हाथ डाल रहा था वो सब चीज़ें मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रही थी तो मैं बोला पीछे हट आग पे आ रहा है पीछे हट पीछे हट नहीं समझा तो फिर मारा नहीं मैं मारता तो आमलेट हो जाता वहीं पर जब एलविश घर के अंदर जब बिग बॉस के उधर आया था वीकेंड के बारे में तो उसके विजुअल्स तुमने देखे तुमको क्या लगा उसके आने के बारे में वहाँ पे आया और फैसल ने उसको अच्छे से टैकल किया अच्छे से जवाब दिया जैसा वो देता है अभी उसके तरह की से जवाब देना बाकी है अभी हाय मैं हूँ अद्दान शेख और आप मुझे देख रहे हो शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई गाना है गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा लेकिन ये जो है गोरे गोरे मुखरे पे सफ़ेद सफ़ेद चश्मा खूबसूरत जो नूर वाला चेहरा है लेके आए हो खूबसूरत सी शक्ल है स्माइल भी है कर रहे हो लेकिन सच बात बताओ ये स्माइल के पीछे कोई गम है जो छुपा रहे हो क्योंकि निकले हो जल्दी कुछ भी गम नहीं है उल्टा इनफैक्ट जल्दी निकलने का गम था पर बाहर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ कि इतने कम टाइम में मैंने लोगों के दिल में इतनी जगह बनाया है वो तो है भाई देखो टाइम कम है मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट जाता हूँ कॉन्वर्सेशन uh, नहीं है uh, बहुत कुछ हुआ घर के अंदर एंड uh, जैसा कि पिछले इंटरव्यू में भी किसी ने कहा कि घर के बाहर के मुद्दे जो है वो आपके अलावा बहुत लोग उठा रहे हैं लेकिन शायद टारगेट या फिर नजर में आ गए अदनान आपको अनफेयर नहीं लगता ये चीज़ कि दूसरों के साथ भी हो रहा है मेरे को ये रीजन के वजह से क्यों इतना ज्यादा बखेरा खड़ा किया गया लगा बहुत हद तक का लगा क्योंकि मैं अकेला नहीं था बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे पर हाँ मेरा थोड़ा सा क्या था मैं यूज़ टू नहीं था कैमरे के और मेरे ध्यान से स्टार्टिंग में निकल जा रही थी तो दो चार बार चीज़ें हुई और मैं उस चीज़ के लिए मैंने सॉरी भी बोला और मेरे को नहीं लगता वो हाथ छोड़ने से बड़ा कुछ मुद्दा है राइट right. एलविश यादव ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था वहाँ पे उसको फैज़ू के बारे में पूछा गया था उसने बोला कि फैज़ू से मैं मिला फैज़ू मुझे अच्छा लगा कुछ पर्सनल वैसा टकराव नहीं है बट uh, उसको मिलकर अच्छा लगा hmm. उसको बेसिकली जो इंटरव्यू था उसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं मिलने के बाद मुझे फैजू और ज़्यादा बेटर समझ में आने लगा क्या बात लेकिन है लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये थोड़ा उसके तरफ से एक एक चाल है या फिर एक रणनीति है थोड़ा बहुत दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए बिकॉज तुम्हारे बारे में उसने वैसा कुछ नहीं बोला है मेरे को उसके कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और अच्छी बात है अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फैसल को भी मैं बोलूँगा बना ठीक है दोस्ती बना पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके क्योंकि आप उसके असलियत को जानते हो इसलिए आप अपने दोस्त को वॉन्ट करोगे एग्जैक्टली exactly. बट फैजल फैजल आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों लगता है कि जितना कुछ हुआ है आपका और उसका जो इक्वेशन है फैजल उसके साथ दोस्ती क्यों आगे बढ़ाएगा बिकॉज उसको पता है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या सिनेरियो है राइट नहीं फैसल बढ़ाएगा भी तो हम लोग की दोस्ती ऐसी है तो वो बिना पूछे करेगा नहीं जैसे कि हम लोग सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ऐसा कुछ चीज़ें होती है तो हम लोग एक दूसरे को राय मशवरा करते हैं उसके बाद ही आगे चीज़ें प्रोसीड करते हैं तो

Uh, तो कंधे पे हाथ डाल रहा था वो सब चीज़ें मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रही थी तो मैं बोला पीछे हट टांग पे आ रहा है पीछे हट पीछेट नहीं समझा तो फिर मारा नहीं मैं मारता तो आमलेट हो जाता वहीं पर देखो एक परसेप्शन है कि बहुत लोग कहते हैं जैसे तुमने भी कहा है कि भाई लव जो है इसको तो मैं पहचानता था एलविश के मैनेजर के हिसाब से राइट और बहुत लोग उसको वैसे ही जानते थे मैं गलत नहीं बोलूंगा फैक्ट बात है hmm. अभी मुझे बताओ कि जब से वो गया है बिग बॉस के अंदर काफी लोग बोलते कि उसका खुद का कुछ इंडिविजुअलिटी तो है नहीं जितना भी है एलविश के दम पे फुदक रहा है तुमको भी सेम चीज लगता है एक्जैक्टली उसके अब तक क्यों उसको टिक की कैसे गया? बिकॉज एलविश उसको अलग लेवल पे सपोर्ट करे तो तुमको ये अनफेंड नहीं लगता कल को जाके वोटिंग की बात आई तो मेरे को तो नहीं लगता कि वोटिंग में कोई हरा पाएगा अपने को इतना तो है इसको बोलेंगे कि एज कम्पेयर टू जितने भी लोग थे पर हाँ मेरा गेम भी इतना ही स्ट्रांग था जितना घर में किसका भी नहीं चाहे वो टास्क की बात आए या मुँह पे अपफ्रंट होके बोलने की बात आए जितने भी दिन था जो भी चीज़ें हुई सब रियल हुई और ठसानी देखे रहेंगे सबको ढसाया ही तुम्हारा भाई ढसानी तो मैं जैसे भी था रियल था और बाकी तो देखे जब जब एलविश घर के अंदर जब बिग बॉस के उधर आया था वीकेंड के बारे में तो उसके विजुअल्स तुमने देखे तुमको क्या लगा उसके आने के बारे में वहाँ पे आया और फैसल ने उसको अच्छे से टैकल किया अच्छे से जवाब दिया जैसा वो देता है अभी उसके तरह की से जवाब देना बाकी है अभी वो तुम दोगे मुझे पता है बहुत जल्दी मुझे यकीन है पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर <laughs> मुझे बताओ भाई कि फटाफट मैं ख़त्म करता हूँ ये चीज़ कि जब तुम गए थे अंदर तब अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड राइट एंड लव केश के साथ जो भी हुआ वगैरह एक्सेट्रा तुमको कई लगता है कि कोई ना कोई किसी ने तुमको सॉफ्ट टारगेट बनाया स्पेशली तुम विशाल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लोग को लगता है कि विशाल ने तुमको दोस्ती यारी वाला जो था उसमें धोखा दिया लेकिन तुम बहुत अच्छे से अभी भी उसके बारे में बोल रहे हो तुम विशाल को इतना कॉन्फिडेंस तुमको विशाल के बारे में कहाँ से आता है मैं उसको कॉलेज टाइम से जानता हूँ मतलब मैं नहीं जानता वो मुझे जानता था वो मुझे जब कॉन्टेंट क्रिएटर बन गया था वो बताया था क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही मैं फेमस था फिफ्टी के फॉलोअर्स थे तो वो टाइम पे एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में था तो वहाँ पे वो भी आया था उसके ग्रुप के साथ में तो दोस्ती काफ़ी पुरानी है वो पहले से जानता है और वो बॉन्ड है वो गेम के हिसाब से किया रहेगा बाकी एज अ पर्सन मेरे को कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है जो भी है मैं अभी भी चाहता हूँ नेजी जीते या तो वो जीते एक कॉमन सवाल है कि अरमान मलिक जो है वो बहुत गुस्सा हो गए थे जब कृतिका के बारे में वो चीज उसने विशाल को थप्पड़ वगैरह मारा बट सेम विशाल सेम अरमान ने सना को बॉडी शेम किया तो ये एक ओपिनियन है कि भाई तुम्हारे अपने फैमिली के ऊपर आता है तो तुम नाराज़ हो जाते हो हाथ उठाते हो किसी दूसरे के बीवी या बहन या गर्लफ्रेंड के बारे में तुम जब बोलते हो तो वो नहीं होता वो आपको हिपोक्रेसी नहीं लगता बराबर लगता है और वो एक बार नहीं बहुत बार किया है और ये चीज़ को बढ़ावा इसलिए मिला है क्योंकि उसको पहली बार में उसको घर से बाहर नहीं निकाले तो उसको लग रहा है कि और एक वो क्या बोलते हैं उसको जो खाला रहती है ना इधर की उधर करना अननेसेसरी कोई भी बात निकाल के लड़ना सिली टॉपिक बस रीज़न बनाना कंटेंट देने के हिसाब से तो वो है वो इस वजह से वो उसको रखा गया है घर में और उसका डेरिंग भी खुल रहा है उसको लग रहा है कि अब मेरे पे कुछ एक्शन होगा ही सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पायल ने कुछ दिन पहले बोला है कि मैं डिवोर्स लूंगी अरमान से अरमान और कृतिका अलग रह सकते हैं मैं बच्चों के साथ अलग हो जाऊंगी बिकॉज मुझे इस चीज़ को लेके बहुत हेटरेट बहुत नफरत मिल रहा है बहुत ट्रोलिंग हो रहा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये तुमको हकीकत लगता है या कैमरे के सामने ड्रामा लगता है अल्लाह बेहतर जाने देखो मैं तो अंतरिया में हूँ नहीं बाकी इन लोगों का कंटेंट ही यही सब चीज़ें रहती है तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा <laughs> तुमने जवाब उसमें ही दे दिया तुमने लास्ट क्वेश्चन लव केस जो है विशाल के साथ जो दोस्ती है तुमको लग रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है आगे तक जाने के लिए सच्चा वाला दोस्ती लगता है तुमको देखो शो में तो अभी गेम के लिए है पर मैं चाहता हूँ कि अगर बाहर भी निकले तो वो चीज़ें उन लोग की कंटिन्यू हो

Family, that's a wrap. Thank you so much. God bless. Take care, stay safe, and thank you.